मौसम बेहतर हो गया, वैसे ज़्यादा ठंड हो गई है, क्योंकि अभी ऐसा ऐसा ये सावन की बारिशें हैं, तो इसके अंदर जो है वो अभी इसके बाद विंटर ही आना है हमारे पास। और इसमें थोड़ा सा बस ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि मतलब ये बीमारियाँ ज़्यादा इस मौसम में फैलती हैं, मतलब जो रानी खेत की वैक्सीनेशन होती है वो भी आपने मतलब इससे पहले पहले करनी होती है, ताकि आपके बर्ड्स वगैरह जो है, क्योंकि अभी आप अभी भी आप देख सकते हैं कि हवा वगैरह चलती है और मतलब जो है वो बारिश का मौसम है, बिल्कुल काफ़ी तेज़ हवा चल रही है और ऊपर अभी भी मतलब बारिश एक दफ़ा तो सुबह हो चुकी है और अभी फिर 9-10 बजे के टाइम है और बादल जो हैं वो फिर से मतलब सारी जगह मतलब छाए हुए हैं। तो यार मैंने सुबह से जो है वो मुर्गियों वगैरह को भी जो है वो नहीं खोला, क्योंकि बारिश हो रही थी और मतलब सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी, तो अभी इनको मतलब थोड़ा सा टाइम मिला कि बारिश नहीं है, इनको खोल के दाना पानी डाल देते हैं, क्योंकि बारिश का भी पता नहीं है किस टाइम आ जाए, तो चलो इनको ऊपर लेके जाते हैं, सारों को कबूतरों को भी इनको भी खोलते हैं और फिर दाना डाल के तो बंद कर देते हैं, क्योंकि हवा भी काफ़ी तेज़ चलती है और बारिश का भी कोई पता नहीं है किस टाइम आ जाए। साथ ही जो है वो कबूतरों को भी खोल देते हैं, क्योंकि सबसे पहले इन खट्टों को ऊपर कर देते हैं, क्योंकि ये नीचे पड़े हुए हैं तो मतलब फंगस वगैरह इनको लग जाएगी, क्योंकि अभी इनका दाना पानी भी जो है वो भी गीला हो चुका है, क्योंकि चलें अभी इनको खोल देते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है पता करिए गुड़ ना जाए, और जो कल हमारे नहीं आए थे पहले मैं उनको साइड पर कर लूँ, क्योंकि उनका कोई पता नहीं है। यहाँ पर ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई है और इस वजह से जो है ना वो बर्ड्स वगैरह भी थोड़ी सी ना मतलब एकदम से गर्मी के बाद मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया, तो इस वजह से बर्ड्स को भी थोड़ा सा मतलब अजीब तो लग रहा होगा, तो इसी वजह से ये भी वो देख सकते हैं आप सारे फूले हुए हैं उधर, यार ये सारे कबूतर अभी बाहर हमने खोल दिए हैं और ये दाना पानी खा लें तो उसके बाद जो है इनको बंद कर लें, इनको थोड़ा सा अलग से दाना डाल देते हैं, क्योंकि उधर मुर्गियाँ वगैरह अलहदा खा रही हैं, तो वही वजह से जो है मैं इधर इनके लिए अलहदा दाना डाल देता हूँ, ताकि जल्दी टाइम हमारे पास काफ़ी कम है। ये आप ऊपर भी देख सकते हैं कि जो परिंदे वगैरह उड़ रहे हैं ना उनसे भी मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा, हवा जिधर लेके जा रही है जिस चीज़ को वो उधर ही जाता है, पता नहीं आप लोगों को मतलब हवा की वजह से मेरी आवाज़ भी सही से आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, तो दोस्तों थोड़ा सा आप मैनेज करिएगा क्योंकि हवा वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, तूफान जो है वो काफ़ी तेज़ हो गया, तो अभी हम इनको बंद करने लगे सारी जगह पर, ये ना हो कि कोई नुकसान हो जाए, क्योंकि इनमें से भी कुछ बर्ड्स हैं जिनके पर कंप्लीट है, तो मतलब हवा काफ़ी तेज़ है तो वो सारी पास है, कुछ पता है लेकिन इनसे कंट्रोल नहीं होगा, तो बाकी जब थोड़ा बहुत मतलब मौसम सेट होगा तो तब भी हम इनको जो है वो करने लगे। वैसे तो ये जो मौसम है ये प्लांट्स वगैरह के लिए तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो बर्ड्स वगैरह हैं इनके लिए बीमारी का मौसम है, तो मतलब एक चीज़ के लिए जो अच्छा होता है लाजमी नहीं है कि वो दूसरी चीज़ के लिए भी अच्छा हो, पर मतलब ऐसे ही चलता है, क्योंकि आगे तो भी मतलब विंटर वगैरह आना है, तो उस लिहाज से मतलब बारिशें होंगी और मतलब मौसम वगैरह जो है वो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा पहले। तो यार ये मैंने इनको दाना अंदर करके भी रख दिया वगैरह हो ना, उससे इनको मतलब कोई इशू वगैरह ना हो, पानी वगैरह ना जाए, मतलब इनको अगर कुछ हो तो ये इधर कर लेंगे। बर्ड्स वगैरह का पैरट्स का ब्रीडिंग सीज़न भी आ रहा है, तो इस लिहाज से हम मास्टर केज को थोड़ा सा तैयार करेंगे और मतलब बर्ड्स वगैरह कोशिश करेंगे यहाँ पर शिफ्ट करें, लेकिन अगर किसी इशू की वजह से मतलब ये रेडी ना हो सका या ठंड ज़्यादा हुई तो फिर हम उनको नीचे किसी रूम वगैरह में करेंगे। तो यार आज मतलब मुख्तसर व्लॉग ही आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं बारिश फिर से शुरू हो रही है, मतलब बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है, तो ये तेज़ होते हुए टाइम नहीं लगेगा, कबूतर हमें इसी वजह से बंद कर देंगे कि ये मतलब नुकसान वगैरह ना हो जाए, ये बर्ड्स वगैरह ये मुर्गियाँ थोड़ी सी खा लें तो फिर इनको भी हम ले लेंगे। यार आज ये छोटा सा ब्लॉग ही आएगा, या अगर कोई एक्स्ट्रा अपडेट हुई कोई और हुई तो वो मैं इसके साथ अटैच करके तो आपको दे दूँगा, क्योंकि आज मौसम वगैरह इस तरह का है कि मतलब ज़्यादा हम आपको दिखा नहीं सकते और बर्ड्स वगैरह को भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और इस टाइम पर मतलब कोई भी ऐसी जो चीज़ है वो ज़्यादा इशू कर सकती है, आप भी कोशिश करें इस मौसम में मतलब
परिंदे वगैरह ना खुलें, क्योंकि मतलब इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं बारिश शुरू हो चुकी है, तेज़ हो गई है, तो अभी हम भी नीचे जाने लगे हैं। तो चले मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जो है वो नीचे यहाँ से भी मतलब काफ़ी सारा पानी वगैरह आ गया, पीछे बर्ड्स वगैरह जो है जो देसी मुर्गी हैं इनके लिए तो मतलब आगे हमने लगा दिए प्लास्टिक, लेकिन अभी सील के लिए भी हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ इसको ऐसे लगा दूँ ताकि नीचे वाले जो सिख है उसके लिए तो मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो, और इसको निकाल के हम नीचे लगा देते, इसको भी नीचे कर देते हैं ताकि मतलब ज़्यादा इशू ना हो। वैसे तो ये नीचे वाला केज भी काफ़ी ज़्यादा ढील है, मतलब इस तरह के जब गीला मतलब मौसम होता है तो उसी में ज़्यादा वगैरह बीमारियाँ आती हैं, उस तरह के इशू इसी वजह से इस मौसम में जो है वो रानी खेत का और बाकी सारे वायरस ज़्यादा फैलते हैं। साथ ही आप देसी भी देख सकते हैं, देसी बिल्कुल नीचे से गीले हो गए, अभी थोड़ी सी बारिश रुकेगी तो ही हम इनकी नींद कर सकते हैं। फिर आगे हमने तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा पानी ही पानी यहाँ पर बंद हो गया, और इधर मुझे हाथ से जो है वो करना पड़ेगा, निकल रहा तो है लेकिन इसके अलावा जो बाकी यहाँ पर दो है थे और एक दो यहाँ पर भी हैं वो सारे के सारे मतलब बंद हो गए, और यहाँ से भी जो है वो पानी वगैरह टोटल ऊपर से आ रहा है। ये अगर यार ज़्यादा हो गया तो यहाँ से जो है ना इसने फिर निकल के इधर रूम वाली साइड आ जाएगा, यहाँ पर बर्ड्स पड़े हुए हैं इस साइड आ जाएगा, और मतलब फिर बर्ड्स वगैरह का जो है वो बीमार होने का काफ़ी ज़्यादा खतरा है, क्योंकि अभी यहाँ पर ये पानी टोटल जो है वो खड़ा हो चुका है।